अस्सलामु अलैकुम माय डियर फेलोज़, टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या है। जेनेटिक पैटर्न वेयर अ स्पेसिफिक ट्रेट और डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डोमिनेंट जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। ऐसा पैटर्न जहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट या डिसऑर्डर एसोसिएट करता है डोमिनेंट जीन के साथ एक्स क्रोमोसोम पर, उसको हम कहेंगे ये है एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अकर्स इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल में भी पॉसिबल है ये डिजीज़ हो जाए और फीमेल में भी। प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल कॉपी ऑफ म्यूटेड जीन ऑन अ एक्स क्रोमोसोम इज सफिशिएंट फॉर एक्सप्रेशन। अगर इस जीन की कोई भी अगर सिंगल कॉपी भी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, इट्स मीन कि इट कॉज डिजीज। अफेक्टिव इंडिविजुअल वेयर द मेल और फीमेल हैव 50 चांस ऑफ पासिंग द कंडीशन ऑफ टू ईच ऑफ स्प्रिंग। 50% चांस है कि डिजीज मेल में भी ट्रांसफर हो सकता है और फीमेल में भी। इन दिस स्लाइड वी कैन डिस्कस अबाउट रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इस स्लाइड में हम देखेंगे एक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है जी मेल्स में और फीमेल में। सबसे पहले हम एक्स क्रोमोसोम की लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी लोकेशन जो है एक्स क्रोमोसोम्स की एसोसिएट करती है डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ। इसके अलावा एक्स क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स फॉर वेरियस ट्रेट्स। एक्स क्रोमोसोम जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्रेट्स को कैरी करता है, उसमें डोमिनेंट भी आ जाते हैं, रिसेसिव भी आ जाते हैं। अब इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे मेल में और फीमेल में। सबसे पहले हम मेल में देखेंगे। इन मेल्स विद ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एसोसिएटेड ट्रेट। देयर इज नो कोरिस्पोंडिंग एलील ऑन द वाई क्रोमोसोम्स टू मास्क द इफेक्ट ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट एलील। जो मेल है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे ये एलील प्रेजेंट है, अफेक्टेड एलील प्रेजेंट है, इट मींस के डिजीज कॉज करेगा। वाई क्रोमोसोम पे कोई भी ऐसा फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा जो इसके अफेक्ट को मास्क कर सके। इसी तरह फीमेल में टू एक्स होते हैं, अगर एक एक्स पे भी ये प्रेजेंट है फैक्टर तो इट मींस के वो डिजीज़ कॉज करेगा। कोई दूसरे एक्स पे कोई भी ऐसा कोरिस्पोंडिंग एलील प्रेजेंट नहीं होगा जो उसके अफेक्ट को मास्क कर सके। इसके हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमारे पास है अनअफेक्टेड फादर है और अफेक्टेड मदर है। इसके रिजल्ट में 50 जो है परसेंट मेल अफेक्टेड और 50% फीमेल अफेक्टेड है। फर्स्ट इंडिविजुअल जो फीमेल है वो अफेक्टेड है, सेकंड जो है वो नॉर्मल है, थर्ड जो अफेक्टेड है, फोर्थ जो है वो नॉर्मल है, टू सन्स अफेक्टेड हैं और टू डॉटर्स नॉर्मल है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन डिस्कस द रोल ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है इनहेरिटेंस पैटर्न। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट ऑफन ऑब्जर्व इन एवरी जनरेशन। अफेक्टेड इंडिविजुअल मेल और फीमेल हैव 50 चांस ऑफ पासिंग द डोमिनेंट एलील टू द ऑफस्प्रिंग। जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है वो हर जनरेशन में शो होता है। इसके अलावा 50% चांस है कि मेल में भी अफेक्टेड हो सकता है और फीमेल में भी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। इसके अलावा पासिंग टू ऑफस्प्रिंग, मेल पास एक्स लिंक डोमिनेंट एलील टू देयर डॉटर्स। जो मेल है वो अफेक्ट करता है अपनी डॉटर के, और जबकि जो फीमेल है वो अफेक्ट करती है अपने सन और डॉटर दोनों को। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की आ जाती है। इनोकॉन्टेंशिया पिगमेंटिया और रेट सिंड्रोम आर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। इन दिस स्लाइड वी कैन डिस्कस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। फीमेल एज कैरियर, अफेक्टेड फीमेल कैन ट्रांसमिट द डिसऑर्डर टू बोथ मेल्स एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग। कैरियर फीमेल में नॉट ऑलवेज एग्जिबिट सिम्टम्स बट कैन पास द डिसऑर्डर टू देयर चिल्ड्रंस। जो कैरियर फीमेल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ये जो डिसऑर्डर्स हैं सिम्टम्स हैं उनको शो करेगी, बट ये पास करेगी इस डिसऑर्डर को अपने चिल्ड्रंस में। मेल मैनिफेस्टेशन, मेल एक्सप्रेस द डिसऑर्डर इफ दे इनहेरिट द एक्स क्रोमोसोम्स कैरिंग द डोमिनेंट एलील। जो मेल है वो शो करेगा सिम्टम्स को और इसको ट्रांसफ़र भी करेगा अपने जनरेशन में। नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, अनलाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर डू नॉट शो मेल टू मेल ट्रांसमिशन। जो मेल है वो अपनी डॉटर को पास आउट करेगा ये एलील्स ना कि अपने सन को। अब हम डिस्कस करेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले है
इसमें इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये अफेक्ट करता है स्किन को, टीथ को, नर्वस सिस्टम को। इसके एग्जांपल्स में जो सिम्पटम्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हैं फीमेल्स में, और स्वेयर जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो मेल्स में भी हैं। और इसके अलावा रेट सिंड्रोम है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है फीमेल्स को, और इसके एग्जाम्पल में स्वेयर इम्पैक्ट ऑन मेल्स बट डू नॉट सर्वाइव इन्फेंसी। इसको डायग्नोसिस एंड डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग आ जाता है, क्लिनिकल एवोल्यूशन आ जाता है, बायोकेमिकल टेस्ट आ जाता है, इमेजिंग टेस्ट स्टडीज़ आ जाता है, कोरियोविलियस सैम्पलिंग आ जाती है, अमीनोसेंटिसिस आ जाता है, और जेनेटिक काउंसलिंग। डिफरेंट मेथड्स हैं कि इसको जेनेटिक काउंसलिंग हम इसकी कैसे कर सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग की पावर रख सकें, फैमिली प्लानिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, एजुकेशन मस्ट बी इम्पॉर्टेंट।